दोस्तों, आज के समय में पेट्रोल और डीजल हमारे लिए एक अहम जरूरत बन चुका है। पेट्रोल और डीजल की जरूरत हम लोगों को रोज पड़ती है, और जैसे जैसे इनकी खपत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इनकी कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही है। और हमारे भारत देश में भी पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी कीमतें और भी बढ़ जाए। दोस्तों, भारत में पेट्रोल का उत्पादन नहीं किया जाता है, इसी कारण से पेट्रोल दूसरे देशों से मंगवाया जाता है, यानी कि दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, और इसी कारण से दूसरे देशों से लाने में हमें चार्ज लगता है, और आम जनता तक पहुंचते पहुंचते इस पर कई तरह के टैक्स लग जाते हैं। इसी कारण से पेट्रोल हमें इतना महंगा मिलता है। दोस्तों, हमारे देश में तो पेट्रोल की कीमत बहुत ही ज्यादा है, लेकिन दुनिया के कई देशों में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल ही सच है। जिन देशों में पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है, उस देश में पेट्रोल की कीमत बहुत ही कम है, जैसे कि अरब देशों में। दोस्तों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जिस स्पीड से आज हम लोग पेट्रोल और डीजल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसी तरह से इनकी खपत करते रहे तो ये आने वाले लगभग 40 सालों में खत्म हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों, जमीन के नीचे पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सब चीजें धरती के अंदर लिमिटेड है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है? ये तो आप जानते ही होंगे कि पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है, लेकिन आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि जमीन के अंदर पेट्रोलियम कैसे बना। दोस्तों, इस सवाल का जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन के अंदर पृथ्वी पर आए विनाश के कारण दब गए, और बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी के कारण हजारों लाखों साल में यही मृत पेड़ पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। इसके बाद इंसानों ने जमीन और समुद्र के अंदर पेट्रोलियम का पता लगाया, और समुद्र के चट्टानों से इस काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल को पानी की तरह सीधे धरती से खोदकर निकाला नहीं जाता है, यानी कि दोस्तों, जमीन से शुद्ध पेट्रोल और डीजल नहीं निकलता है, बल्कि जमीन के अंदर से पेट्रोलियम निकलता है, जो काले और गाढ़े तरल के रूप में होता है। दोस्तों, पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, इनमें से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इस कच्चे तेल में पेट्रोल, केरोसिन, डीजल जैसी चीजें होती है। इसके बाद इस कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है, जिन्हें पेट्रोल रिफाइनरीज कहा जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डाला जाता है और गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाल ली जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह से पेट्रोलियम का एक हिस्सा हमें पेट्रोल प्राप्त होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कच्चा तेल समुद्र और जमीन दोनों पर ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर जगह कच्चा तेल हो। दुनिया में कुछ ही जगह है जहां से कच्चा तेल मिलता है। दोस्तों, अमेरिका और रूस में भी कच्चे तेल का उत्पादन होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन अरब देशों में ही होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।